बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, झारखंड के दुमका में अंकिता की हत्या पर अब सियासी उबाल मचता हुआ नजर आ रहा है। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए अब बीजेपी सड़कों पर उतरी है। अंकिता मर्डर केस में सोरेन सरकार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद घेरेंगे। निशिकांत दुबे समेत मनोज तिवारी और कई सारे सांसद दुमका पहुंचेंगे, परिवार वालों से मुलाकात भी करेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंकिता मौत मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं अब सोरेन सरकार को बीजेपी घेरती हुई नजर आएगी। ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहले भी विरोध प्रदर्शन हो चुका है और साथ ही बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुमका की बेटी को इंसाफ कब? इंसाफ की लड़ाई बीजेपी आगे आई, विपक्ष का कुनबा कहां है छुपा? परिवार बेसहारा, अब सांसदों का सहारा। दुमका की बेटी अंकिता एक युवक की शैतानियत का शिकार हो गई। अंकिता की मौत ने झारखंड की सियासत में उबाल ला दिया है। बीजेपी ने अंकिता की मौत को मुद्दा बनाकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अंकिता को जिंदा जलाने वाले हत्यारे शाहरुख और उसके सहयोगी को फांसी देने की मांग को लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। अंकिता के इंसाफ की लड़ाई को और धार देने के लिए बीजेपी के सांसद मैदान में उतरने जा रहे हैं। आज बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के साथ दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा दुमका पहुंचने वाले हैं। ये सवाल भी पूछा जाएगा कि हमारी बहन जब अस्पताल में जिंदगी और मौत के साथ लड़ाई लड़ रही थी, तब मुख्यमंत्री जी पिकनिक कर रहे थे। अंकिता की हत्या के मामले को लेकर सवालों में घिरे दुमका के डीएसपी नूर मुस्तफा को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। बीजेपी ने चेतावनी दी है कि नूर मुस्तफा जैसे भ्रष्टाचारी पुलिस पदाधिकारी और संबंधित थाने पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। दुमका की बच्ची को न्याय दीजिए, उस दुमका के लोगों को एक आश्वासन दीजिए कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जो नूर मुस्तफा है उसको डिसमिस करिए, जो वहाँ एसपी है एसपी की भूमिका के ऊपर जो है किसी महिला एसपी को वहाँ प्रोटेक्ट वहाँ पोस्ट करिए। आज जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सिर्फ लुटेरा ही नहीं है, सिर्फ डकैत ही नहीं है, आदिवासी विरोधी भी है, संथाल विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है। इसके राज में कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। अंकिता की हत्या के मामले को लेकर बीजेपी जितनी उग्र है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और जेएमएम बैकफुट पर हैं। दोनों दलों के नेता कुछ भी बोलने में सतर्कता बरत रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि इस पर सरकार बिल्कुल गंभीर है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से झारखंड को अस्थिर करने की साजिशें चल रही है, उस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे जनता के प्रति अपनी संवेदनाओं को दिखाते हुए जिस त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये इसको भी देखना चाहिए। अंकिता के मामले में सबसे ज्यादा सवाल वाम दलों की भूमिका को लेकर उठ रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी ऐसी घटना होती है तो लेफ्ट पार्टियां सबसे ज्यादा मुखर रहती हैं, लेकिन दुमका की बेटी की निर्मम हत्या पर वाम दलों की चुप्पी से लोग हैरान हैं। बहरहाल अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी सड़क पर है और उसके परिवार को आर्थिक मदद देने का बीड़ा भी उसी ने उठा लिया है। बीजेपी ने अंकिता के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए चंदा जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 25 लाख रुपए जुटा भी लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।